हेलो फ्रेंड्स, दिवाकर एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पोस्ट सबमिट करने के लिए एक प्लगइन क्रिएट करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये प्रोजेक्ट सेटअप किया हूँ, उसको ओपन एडिटर में ओपन कर रखा और यहाँ पे एक प्लगइन क्रिएट करना है। तो इसके लिए प्लगइन्स फोल्डर के अंदर मैं एक नया फोल्डर क्रिएट करूंगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ से न्यू, और यहाँ पे लिखूंगा सबमिट पोस्ट फ्रॉम फ्रंट एंड, इसका नाम दे दिया मैंने फोल्डर का, और इसके अंदर एक इंडेक्स फाइल बना दूंगा। आप चाहे तो ये सेम फोल्डर नेम के अनुसार डॉट पी एच पी फाइल नेम दे सकते हो, या तो आप इंडेक्स डॉट पी एच पी फाइल में कोडिंग कर सकते हो। तो मैं इंडेक्स डॉट पी एच पी में कोडिंग करूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंडेक्स डॉट पी एच पी। आप चाहें तो जिस नेम से आपने फोल्डर का नाम दिया है, जो नाम आपने यहाँ पे दिया, वहां पे भी आप फाइल का भी नाम वो देख के डॉट पी एच पी भी करके आप लिख सकते हो। इसके लिए मैं एक फाइल क्रिएट कर लिया और यहाँ पे प्लग इन हेडर दूंगा, एक बेसिक इंफॉर्मेशन लिखूंगा जिससे वर्डप्रेस को लगेगा कि ये प्लग इन क्रिएट हो चुका है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लग इन नेम और यहाँ पे सबमिट पोस्ट फ्रॉम फ्रंट इन लिख दिया। ये प्लग इन हेडर है, इस बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप जब भी प्लग इन देते हो, आप नेम भी सिंपल दे दोगे तो आपका चल जाएगा, लेकिन इसके अलावा भी आप प्लग इन के बारे में और भी इंफॉर्मेशन दे सकते हो। तो जैसे मैं डिस्क्रिप्शन भी लिख देता हूँ, डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे लिख दूंगा माय प्लगइन टू एक्सप्लेन एक्सप्लेन द सबमिट पोस्ट फ्रॉम फ्रंट इंड। फंक्शनैलिटी लिख देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे अपने प्लगइन का वर्जन भी दे सकते हो, तो जैसे मैं लिख देता हूँ वर्जन 1, और यहाँ पे आप वर्जन दे सकते हो, ऑथर का नाम भी दे सकते हो प्लगइन का ऑथर, तो मैं ऑथर और उसके बाद इस तरह से आप यहाँ पे ऑथर यूआरआई भी दे सकते हो। मैं ये जो भी कोडिंग करूंगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अगर मैं अपना साइट लॉन्च करने वाला हूँ उसका आपको यूआरएल दे दूंगा, आप देख लेना यहीं पे, या नेक्स्ट वीडियो में या किसी वीडियो में मैं किसी वीडियो सीरीज पे डाल दूंगा, ताकि आप वहां से आप कोडिंग भी इसका ले सको। तो हमने एक प्लगइन बनाया, उसमें एक फाइल इंडेक्स डॉट पीएचपी क्रिएट किया और यहाँ पे मैंने प्लगइन का हेडर डाल दिया है। अब मैंने इसे सेव कर लिया है, अब मैं इसे प्लगइन में जाके देखता हूँ। यहाँ पे प्लगइन में हमारा जो हमने अभी फोल्डर क्रिएट किया है और प्लगइन का जो फाइल में जो नेम दिया वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा फ्रेंड्स। तो अभी सिंपल इसमें एक्टिवेट कर सकते हो, आप एक्टिवेट कर दोगे तो अभी कुछ होगा नहीं, क्योंकि हमने सिर्फ इसका हेडर प्लगइन हेडर दिया। लेकिन हम लोग इसमें क्या करेंगे कि एक फॉर्म डिस्प्ले करना है, तो फॉर्म डिस्प्ले करने के लिए मैं यहाँ पे एक शॉर्ट कोड क्रिएट करूंगा। अगर शॉर्ट कोड के बारे में आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है तो आप मेरा पहले शॉर्ट कोड वाला वीडियो आप जाके देख लें। तो फॉर्म डिस्प्ले करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा एड एक्शन एड शॉर्ट कोड और यहाँ पे एक नाम दे दूंगा DA, हुक का नेम फ्रंट इंड पोस्ट अंडरस्कोर फॉर्म, यहाँ पे शॉर्टकट का नेम हो गया, और यहाँ पे हम लोग कॉल बैक फंक्शन का नाम दे देंगे। कॉल बैक फंक्शन का नाम भी सेम डाल देता हूं, ये हमारा शॉर्ट कोड हो गया यहाँ पे इस शॉर्ट, और यहाँ पे हमें
इसको हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे इस फंक्शन को हम लोग डिफाइन करेंगे। इसके अंदर एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, तो मैं इसे पहले ओपन पीएचपी को क्लोज कर देता हूं और यहां से फिर ओपन कर लेता हूं। अब इसके बीच में हम लोग एचटीएमएल लिखेंगे, तो यहां पे लिखूंगा div क्लास, आप कुछ भी लिख सकते हो। यहां पे मैं पोस्ट बॉक्स दे देता हूं, इसी तरह पोस्ट बॉक्स इस क्लास का एक क्लास ले लेता हूं। इस div को क्लोज कर देते हैं और यहां पे हम लोग एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, तो फॉर्म टैग का यूज करना है हमें। जैसे मैं लिख दूंगा फॉर्म मेथड पोस्ट लेना है और यहाँ पे ईएनसी टाइप ले लेते हैं क्योंकि हमें फोटो भी अपलोड करने हैं यहाँ से, इमेज फोटो जो भी। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा, ये हमने लिख दिया है क्योंकि हमें इमेज भी अपलोड करें। यहाँ पे मैं फॉर्म क्लोज कर लेता हूं। अब हमें एक हमें क्या करना है, लेबल ले लेता हूँ। लेबल के अंदर टाइटल, टाइटल हमारा एक वर्ड फील्ड है, तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिक्स लगा दिया और यहाँ पे मैं फॉर ले देता हूँ टाइटल। इसके बाद हमें एक इनपुट फील्ड लेना है, तो इसको नीचे हमें लाना है, तो बीआर में लगाता हूँ बीआर टैग। और उसके बाद मैं लिखूंगा इनपुट टाइप इनपुट, सॉरी इसको मैं इनपुट टाइप टेक्स्ट और यहाँ पे नेम इक्वल टू टाइटल ले लेता हूँ और यहाँ पे पी, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कंटेंट ले लेता हूं और यहां पे हमें टेक्स्ट एरिया लेना है, तो मैं टेक्स्ट एरिया लूंगा टेक्स्ट एरिया और यहां पे मैं इसका नेम कर देता हूं कंटेंट। अगर आप रो कॉलम बढ़ाना चाहते हैं, मैं इसको रो दे देता हूं सिंपल, रोज इक्वल टू 6 कर देता हूं। अब हमें कैटेगरी डिस्प्ले करानी है, तो सेम मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख दूंगा कैटेगरी और यहाँ पे एक वर्डप्रेस का फंक्शन है वो यूज करूँगा, तो यहाँ पे पीएचपी, उसके बाद डब्ल्यूपी ड्रॉप डाउन, डब्ल्यू पी ड्रॉप डाउन डी ओ ड्रॉप, उसके बाद कैटेगरीज कैटे, इसमें पैरामीटर पास कर देंगे सो ऑप्शन नन, जो आपको पहला ऑप्शन होता है वो शो कराने हैं। तो यहाँ पर मैं कैटेगरी लिख दूंगा कैटेगरी, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्सनॉमी का नाम आप दे सकते हो यहाँ पे, तो ये मेरी टेक्सनॉमी अभी कैटेगरी है, तो टेक्सोनॉमी यहाँ पे कैटेगरी। अगर आपका कस्टम कैटेगरी नेम है तो आप यहाँ से वो नाम दे देना और यहाँ पे हाइड एम्प्टी 0 कर देता हूं।
ताकि मुझे जो भी हो इसमें पोस्ट हो या ना हो सभी दिखे। हाइड हाइड एमपीटी ठीक। जीरो कर देता हूं और इसे क्लोज कर देता हूं। ये हमने लास्ट में मैं सिर्फ क्लोज कर देना है, इसको मैं हटा देता हूं। इस तरह से सेव हो गया, इसे मैं सेव कर लिया। अब हमें टैग्स क्रिएट करने के लिए भी एक देना है, तो यहां पे मैं लिख दूंगा टैग्स टैग्स, इसको मैं ऑप्शनल कर देता हूं। और यहां पे मैं इनपुट टाइप टेक्स्ट तो यहां पे मैं लिख देता हूं। पोस्ट टैग्स नाम दे दिया। अब इसमें मैं ये सारे के लेवल चेंज कर देता हूं, क्योंकि ये फॉर टाइटल यहां पे कंटेंट कंटेंट और यहां पे कैटेगरी आप चाहो तो इसे रखो या हटा भी दो। इसको मैं कैटेगरी को हटा देता हूँ, यहाँ पे टैग्स कर देता हूँ टैग्स। और हमें एक फीचर इमेज के लिए एक हमें फील क्रिएट करनी है, तो इसके लिए मैं लिख दूँ कॉपी जो मैंने किया था इसी को पेस्ट करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फीचर इमेज फीचर्ड इमेज ठीक है। और यहाँ पे नेम में ले लेता हूँ, इमेज ही ले लेता हूँ। आप यहाँ पे जो कुछ भी नाम दे सकते हो, यहाँ टाइप इक्वल टू फाइल कर देता हूँ। अभी हमारा हो गया, अब एक सबमिट बटन ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट और यहाँ पे मैं नेम भी ले लेता हूँ सबमिट सबमिट सबमिट। और उसके बाद वैल्यू भी अगर चाहो तो आप ले सकते हो, मैं सबमिट ले लेता हूँ। इस तरह से मैंने सेव कर दिया। अब इस शॉर्ट कोड को हमें कॉपी करना है यहाँ से और एक पेज क्रिएट करना है और वहां पे फॉर्म को डिस्प्ले करना है। तो जैसे मैं पहले एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, कोई इशू तो नहीं है। यहाँ पे कोई सिंटैक्स एरर आ रहा है लाइन नंबर 11 पे, तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमने फंक्शन लिखना एफ्यूएंस फंक्शन। अब हम लोग सेव करते हैं, अब एक बार इसे रिफ्रेश करके देखते हैं। ऐड शॉर्ट कोड यहाँ पे ऐड शॉर्ट कोड, यहाँ पे हमने आर छोड़ रखा है और इसे मैं सेव कर लेता हूँ और एक बार आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हो जो भी इशू था चला गया यहाँ से। तो हम लोग एक पेज क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे पेज का नाम दे देते हैं सबमिट सबमिट पोस्ट। और यहाँ पे हम लोग जो शॉर्ट कोड यहाँ से हमने जो कॉपी किया था, इस शॉर्ट कोड का नाम यहाँ से हमें कॉपी कर लेना है और यहाँ पे हमें पेस्ट कर देना है। अब इसे मैं पब्लिश करूंगा, उसके बाद आपको ये फॉर्म आपको दिखाऊंगा फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो ये फॉर्म आपको दिख रहा है यहाँ पे, देख सकते हो यहाँ पे
अनकैटेगराइज आ रहा है, और यहाँ पे टैग्स भी आ रहे हैं, फीचर इमेज भी आ रहे हैं। अब इसे मैं चाहता हूँ कि इसमें और कैटेगरी दिखे, तो इसमें एक और कैटेगरी ऐड कर लेता हूँ। यहाँ से हमें जाना है, और क्या नाम है, पोस्ट के अंदर कैटेगरीज, इस पे हमें क्लिक करना है और एक कैटेगरी ऐड कर लेना है। न्यूज नाम से मैंने ऐड कर लेता हूँ और इसे ऐड कर दिया। अब इसे हमें रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको अब न्यूज भी आ रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही, हमने फॉर्म क्रिएट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसे सबमिट कराने पे इसका डाटा जो है वैलिडेशन के साथ इस पोस्ट टाइप पोस्ट में सेव कराएंगे। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे अभी एक भी पोस्ट नहीं है, लेकिन जब पोस्ट सबमिट करेंगे तो यहाँ पे हमारा पोस्ट भी दिखेगा, एडमिन को भी दिखेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।